हेलो दोस्तों, मैं नितिन, ट्रेडिंग जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले आज के मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, निफ्टी 380 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1125 पॉइंट के साथ साथ आपको आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली दोनों में। और मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कन्वे करना चाहता था, तो इसलिए मैंने investing.com पे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आज का कैंडल बना हुआ है ना दोस्तों, इसे कहते हैं डोजी कैंडल, ठीक है। और जब भी कभी ये डोजी कैंडल एक अच्छे ट्रेंड के बाद में, ट्रेंड मैटर करता है कोई भी हो ट्रेंड, बस ट्रेंड चाहिए, वो डाउन ट्रेंड हो वो अप ट्रेंड हो, ठीक है। तो जब भी कभी ये बॉटम पे बनता है दोस्तों, ठीक है, अभी हम लोगों को ये भी श्योर नहीं है कि ये बॉटम है कि नहीं है इस ट्रेंड का, बट जब भी कभी ये कैंडल बनता है तो उसके अगले दिन या हो सकता है एक दो दिन और, ठीक है, तो आने वाले कुछ दिन और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में काम करे। अभी यहाँ पे हो क्या रहा था, इस ट्रेंड का यानी जो अभी का डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका हाई था करीब करीब 18,350 के आसपास का, और आज का एक इम्पॉर्टेंट लो जो इस ट्रेंड का लो अभी तक का है, तो ये था करीब करीब 15,700 के आसपास, ठीक है। तो कल अगर निफ्टी आज का जो क्लोजिंग दिया है ना निफ्टी ने 15,863 या 860 का, तो इसके ऊपर, और आज का जो डे हाई था 15,940 के आसपास का, तो इसके बीच में ओपन होके कुछ टाइम तक अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, और उसके बाद ये ब्रेक होता है आज का डे हाई, ठीक है, तो ये जो गैप बना है ना दोस्तों, तो ये बाइंग साइड में आपका एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और एक दिन पहले का डे लो जो था दोस्तों, तो ये आपका बाइंग साइड में टारगेट भी बनेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कल का ओपनिंग, और चलिए ये लॉजिक किस तरह से काम करता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसी चार्ट में कुछ टाइम पहले तक इसे देख लेते हैं क्या हुआ है जब भी ये कैंडल बना है। तो देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड रहा, इसके बाद में ये डोजी कैंडल बना, और अगले दो तीन दिन देखिए क्या हुआ मार्केट में, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे डोजी कैंडल बना, उसके बाद भी ऊपर गया। दोस्तों डोजी कैंडल आप सोचे होंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। प्राइस एक्शन में डोजी कैंडल अगर बनता है तो डोजी कैंडल का आप सिंपली हाई और लो मार्क करके रखिए, और इसका लॉजिक ये होता है कि अभी बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूज़ है, ठीक है, अभी डायरेक्शन का कोई पता नहीं है, ठीक है, और ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहीं कहीं आज का जो क्लोजिंग है और आज का जो डे हाई है, इसके बीच में अगर ये ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये गैप फिलिंग में आ जाएगा और ये आपका अपॉर्चुनिटी बन जाएगा दोस्तों बाइंग साइड में, ठीक है। और यही सब आप इससे पहले भी यही हो चुका है बहुत बार, काफ़ी बार, तो इसलिए आप इसे लॉन्ग कर सकते हो या बाय कर सकते हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो। तो चलिए दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा एक्यूरेट लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का चार्ट जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कल के लिए मार्क करके रखे हैं ऑलरेडी। तो देखिए ये जो डे लो है, डे लो तो नहीं बोल सकते, उसके नीचे एक्चुअली, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पाया है, तो अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है मार्केट, तो 15,635 का आपका अगला सेलिंग साइड में टारगेट बनेगा और 15,518 का सेकेंड टारगेट आपका बनेगा दोस्तों। इसी तरह अगर यही कहीं किसी रेंज में मार्केट ओपन होकर कुछ टाइम तक सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जिस तरह हम लोगों ने ये डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि ये एक गैप है जो एक बाइंग साइड में आपके अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक होके, डे हाई ब्रेक होके ऊपर जाने की कोशिश अगर करता है, तो आप 16,134 तक इसे लॉन्ग कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और ये करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट होता है दोस्तों। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो 200 पॉइंट निफ्टी में काफ़ी अच्छे टारगेट होते हैं, काफ़ी अच्छा टारगेट हो जाता है, मतलब प्रॉफिट आपका बन सकता है इतने में ही, ठीक है। इसी तरह से बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सी, तो ये बैंक निफ्टी में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। ओके, तो आज का जो डे लो है, इसे ब्रेक करके नीचे जाने की बैंक निफ्टी में अगर कोशिश करता है, तो आप 32,110 फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा और 31,820, ठीक है, ये आपका सेकेंड टारगेट बनेगा दोस्तों। वही अगर ये बुलिश होता है, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मैंने आपको एक लॉजिक जो बताया निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में, या बुलिश अगर होता है कल के लिए, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर निफ्टी बुलिश होगा तो उसमें ज़्यादातर या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर टाइम में बैंक निफ्टी का होता है दोस्तों, क्योंकि एक मेजर जो स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के, वो निफ्टी में भी सेम ही है और अगेन वो बैंक निफ्टी में भी है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है या बुलिश बन जाता है 33,129 के नीचे ऊपर अगर निकल जाता है, तो यहाँ पे आपका जो टारगेट बनेगा आज का डे हाई आप आराम से ले सकते हो।
तो दोस्तों ये था कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉजिक प्राइस एक्शन के हिसाब से और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए दोस्तों हमारे चैनल को। और जिन लोगों को डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो।